नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के जैसे कि हम आपको शाम 8 बजे अल्टरनेट डे पर महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 18, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 17, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। ये जो प्रश्न है वो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। 4 ऑप्शन भी दिए थे मैंने, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, IBM चिप्स या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो होगा। तो जिसने जिसने ऑप्शन बी दिया था उसका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो क्या होती है। Ctrl+N होता है, Ctrl+S होता है, Ctrl+M होता है, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया भी था एक इसी के प्रीवियस पार्ट में, जस्ट ना कहके इन्हीं के पिछले पार्ट में, कि जो यहाँ पर शॉर्टकट भी आप देख पा रहे हैं, ये जो शॉर्टकट की N यहाँ पर बताई गई, तो इसकी फुल फॉर्म के आधार पर ही जितने भी शॉर्टकट है वो रखी जाती है। जैसे कि S से मैं बताऊँ तो S से आप सेव कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट को सेव करने के उद्देश्य से आपको अधिकतर शॉर्टकट की में सेव के लिए S की ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला आपका Ctrl+N जो है वो सही हो जाएगा, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट। N से क्या हो जाएगा, N से आपका न्यू हो जाएगा। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जो यहाँ पर नाम होता है उसकी फुल फॉर्म के बेस पर ही जो है वो रखा जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि MS Word डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। इस प्रकार का एक प्रश्न इससे पहले आया था, परंतु ऑप्शन वहां पर बदले थे। 4 ऑप्शन है, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि या ग्रामर त्रुटि। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। MS Word डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल लहर का निशान आता है, जैसे कि यहाँ पर निशाना लिखा है, तो इसके नीचे आप देखेंगे इस प्रकार से लाल लाल लाइन जो है वो खिंची रहती है, और इस प्रकार से आपकी जिगजैग मोशन में जो है वो होती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की ABCD में से कौन सा सही होगा। तो सी आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि स्पेलिंग में जो है वो त्रुटि, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट में जब आप टाइप करते हैं, कोई भी एरर करते हैं, कोई स्पेलिंग एरर करते हैं, तो उसके नीचे आपको इस प्रकार की लाइन लिखी खिंची हुई जो है वो देखने को मिलती है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, या ये सभी। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो इनमें से क्या है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। माइक्रोचिप कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, मैक्रोचिप कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे जो है वो क्या कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की ABCD में से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला आपका ऑप्शन माइक्रोचिप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो है इसे कहते हैं। अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उस सूचना को क्या कहते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इनपुट, रिपोर्ट, आउटपुट, या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो है वो फीड की जाती है, उस सूचना को जो है वो क्या कहते हैं।
तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला आपका इनपुट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो उसे हम इनपुट जो है वो कहते हैं। इनपुट आउटपुट को पहले भी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा। अगला प्रश्न छठा कह रहा है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला जो डाटा है या सूचना है वो क्या कहलाता है। चार ऑप्शन है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला जो डाटा होता है, सूचना होती है, उसे जो है वो क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके हेल्प से जो कह सकते हैं कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला जो डाटा है या सूचना है वो जो है वो कहलाता है। और यदि सॉफ्टवेयर ऑप्शन में ना होता, ऑपरेटिंग सिस्टम होता, तो कहीं ना कहीं उसकी भी हेल्प होती है। और दोनों ऑप्शन में ना होता तो आपका इनमें से कोई नहीं जो है ऑप्शन सही होता। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, टूल्स, फाइल, एडिट, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न आपको ट्रिपल सी जिसने जिसने किया है उसे पता होगा कि इस प्रकार के प्रश्न वहाँ बहुत पूछे जाते हैं, कि आपको ये पर्टिकुलर जो है वो यदि टास्क करना है तो उसमें किस में जाकर आपको करना पड़ेगा, या किस पर क्लिक करना है, या किस मेन्यू में जाके सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न में आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी एक फोटो जिसमें आप देख पाएंगे कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइल। फाइल जो है इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसको कोशिश कीजिए कि जो पिक्चर है इसके साथ जो है वो समझने का प्रयास। अब देखिए, ये मैंने साथ में जो फोटो आपको दिखाई है इसमें देखिए ऊपर सभी ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है। ये देखिए ऑप्शन में फाइल भी है आपका, एडिट भी है, इंसर्ट, व्यू, इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे होते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो फाइल मैंने आपको बताया सही होगा, और पूछा क्या क्या है प्रिंटिंग के लिए, तो फाइल में देखिए प्रिंटिंग वाला कहाँ ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट सेटअप है, और उसके बाद लास्ट में प्रिंट भी दे रखा है। तो यही आपका प्रश्न ऐसे जो है वो पूछा गया था। जरूरी नहीं कि प्रिंट ही पूछा जाए, आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है, या वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आपसे पूछा जाए कि इसको आपको सेव करना है। तो आप यही चार ऑप्शन को लेकर पूछा जाए कि किस ऑप्शन में या किस मेनू में जो है आप जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए फाइल में जो है वो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ से जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आठ कह रहा है कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे जो है वो क्या कहते हैं। फाइल नाम कहते हैं, रिकॉर्ड, डाटा कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला आपका ऑप्शन फाइल नाम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे फाइल नाम जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न नौ देखते हैं कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। देखिए ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया था यदि आपको याद होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, फाइल, स्पेशल, एडिट, या टूल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको छांटना है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो चित्र भी मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ। ये जो है आपका चित्र है, ऊपर देखिए ऑप्शन दे रखा है, एडिट का, व्यू का, टू डू लिस्ट, टास्क मैनेज, इस प्रकार से। तो एडिट में ही आपका देखिए कट भी है, कॉपी भी है, और पेस्ट भी है। वापस से उस प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए कट, कॉपी, पेस्ट तीनों यहाँ पर दे रखे हैं, और प्रश्न में कट, कॉपी और पेस्ट ही पूछा गया था। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एडिट आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था, और ये भी कहा था कि जितने भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है, इन सभी को याद कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस एक्स जो है आपका कट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। इसी प्रकार डिलीट, तो डिलीट वाली बटन ही होती है कीबोर्ड में,
सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए होता है, और कोई चीज़ आपको ढूंढनी है तो कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड टास्क जो है आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, डाटाबेस कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं या फील्ड कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो ए वाला आपका ऑप्शन डाटाबेस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 देखते हैं, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है, क्रिएटिंग कहलाता है, मॉडिफाइंग कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसको आप परिवर्तित कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर रहे हैं तो एडिटिंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और सेम यही वर्ड आप फोटो एडिट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, फोटो आपकी ऑलरेडी है उसमें कोई चीज़ आप परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एडिटिंग जो है वो करते हैं, वही चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट के लिए भी हो जाएगी। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए कौन सा यहाँ पर मेनू सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए मैंने आपको दिखाया इससे पहले जो स्क्रीनशॉट उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो इनमें से कौन सा जो है वो शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एच या शिफ्ट प्लस ए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस ए से जो है आपका सेलेक्ट होता है, जहाँ पर जो ए है इसका मतलब क्या है, ऑल, तो इसीलिए आप कह सकते हैं सभी टेक्स्ट एक साथ आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए आप दबाएंगे, ऑटोमेटिक जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प जो है वो सही है, डेटा, चार्ट्स, इस प्रकार से एरो बना हुआ है चारों ही ऑप्शन में, दूसरे में व्यू और चार्ट्स लिखा है, तीसरे में फॉर्मूलाज और चार्ट्स लिखा है, और चौथे में इंसर्ट मेनू और चार्ट्स लिखा है। बताना है आपको एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प जो है इनमें से सही है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन इंसर्ट मेनू चार्ट्स ये वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जो एरो यहाँ पर दे रखे हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, तो ये एरो दर्शा रहे हैं कि ये वाला जो आपका मेन पहले जो लिखा हुआ है इसके अंतर्गत ये जो चार्ट है वो किस में आता है ये आपके यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका जो इंसर्ट मेनू है यहाँ पर इसको जब आप क्लिक करेंगे तो सारी जो लिस्ट खुल जाती है उसमें आपको चार्ट जो है वो लिखा देखने को मिलता है, वहाँ पर लिखा होगा ऑल चार्ट टाइप्स, तो ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया था कि किस मेनू के अंतर्गत जो है आपका जो चार्ट है वो जो है वो आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस एफ या कंट्रोल प्लस एस। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, परंतु मैंने आपको ये चीज अभी बताई भी थी, आपने ध्यान से समझी होगी तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर बचाने का क्या तात्पर्य है, कह सकते हैं आप कि कोई भी चीज आप बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसको आप कहीं रखना चाह रहे हैं, सहेजना चाह रहे हैं या कह सकते हैं बचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उस चीज़ को क्या करेंगे आप, सेव करेंगे। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, तो डी वाला सही होगा, कंट्रोल प्लस एस के माध्यम से आप उसे जो है वो सेव कर सकते हैं कहीं पर भी, और आप कह सकते हैं किसी भी दस्तावेज को हम बचा सकते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, क्लिप आर्ट कहते हैं, ब्लॉक ऑपरेशन कहते हैं, कट एवं पेस्ट कहते हैं या सर्च एवं रिप्लेस जो है वो कहते हैं। आपको बताना क्या है, ध्यान से बस इस चीज को दीजिए कि टेक्स्ट को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, यानी कि ऐसा नहीं कि जहां से आप ले जा रहे हैं वो वहां भी रहे और दूसरे स्थान पर भी रहे, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टेक्स्ट को जो है आपको एक स्थान से उठाना है और दूसरे स्थान पर जो है वो ले जाना है। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है तो वहां से उठा के अब दूसरी जगह रख दें और जो पहला वाला स्थान है वहां से ये हट जाए, ये चीज यहाँ पर कह रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि कट एवं पेस्ट,
कट के लिए क्या मैंने शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल प्लस एक्स, ये जो है आपका हो जाता है कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट के लिए क्या होता है तो कंट्रोल प्लस वी, ये जो है आपका शॉर्टकट इसके लिए होता है। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, रोज एंड कॉलम्स, लाइंस एंड स्पेसेस, हाइट एंड विड्थ, या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि स्प्रेडशीट में जो डाटा है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रोज और कॉलम में जो है वो होता है स्प्रेडशीट में, आपने ये देखा भी होगा। तो रोज और जो कॉलम्स हैं वो किस प्रकार से होते हैं वो मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ साथ में। तो ये जो है इसका चित्र है, चित्र से आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आप देख रहे हैं तो रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं, इस प्रकार से आप दोनों चीज़ें देख पा रहे हैं। तो ये आपका स्प्रेडशीट जो है वो होता है, और इसमें जो ऊपर आप मेनू देख पा रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, यहाँ से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इन पर भी थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखिएगा। मेन आपको ये दिखाना था कि कॉलम्स और रोज ये आपने देखे भी अवश्य होंगे। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न जो है वो 17। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को जो है वो क्या कहते हैं, सूट्स कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट के संबंध में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वर्ड प्रोसेसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टेक्स्ट बेस्ड जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करने के लिए आप इसका यूज जो है वो करते हैं, मोस्टली लोग टाइपिंग भी जो है इस पर करते हैं। 18 प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, वर्कबुक, फॉर्मूला, सेल या कॉलम। चार ऑप्शन है, बताना है आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट जो है वो होते हैं। बात करते हैं उत्तर की, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला वर्कबुक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, इतनी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, अलग से पिक्चर लगाना है सारी चीज़ें, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न आपका 19 कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होता है, ये आपको पूछा है यहाँ पर, लेफ्ट, जस्टिफाइड, सेंटर या राइट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको किसी कॉलम में जो टेक्स्ट होते हैं वो प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा प्रश्न आपको और यहाँ पर सरल कर देता हूँ। प्रश्न ये कह रहा है जैसे कि एक ये पूरा जो है आपका यहाँ पर पेज है जिसपे आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो तीन तरीके से लिखता है, या तो इस साइड से लिखता है, या तो सेंटर से लिखता है, या तो इस साइड से लिखता है। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रायः कौन सा अलाइन ऑलरेडी सेट होता है, आप पहले से नहीं सेट करते हैं, तो वो आपका ये लेफ्ट साइड होता है। आपने कभी भी देखा होगा जब आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो इस लेफ्ट साइड से लिखना प्रारंभ करता है। आप चाहें तो उसे सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, पर जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था, क्या कि किसी कॉलम में जो टेक्स्ट है वो प्रायः कौन सा अलाइन होता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे लेफ्ट जो है आपका अलाइन होता है, आपका पहला वाला ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न भी क्लियर हुआ होगा। सेम चीज़ आपकी पावर पॉइंट में भी होती है, ऊपर वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पर इस प्रकार से तीन ऑप्शन बने रहते हैं, एक तो सेंटर के लिए, एक तो किनारे के लिए, एक इस किनारे के लिए। अब जिस भी साइड से आप लिखना चाहते हैं वहाँ पर आप मेनू उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो उसी साइड से लिखना प्रारंभ करेगा, पर अगर इन तीनों में कोई सेलेक्ट नहीं है तो जो ऑटोमेटिक आपका लिखता है वो इधर ही साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से जो है वो लिखता है। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि जो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .doc सबके आगे डॉट भी लगेगा, या .wrd, या .fil, या .txt। इन चारों में से कौन सा सही होगा। अपना उत्तर
वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट के संबंध में जो है वो यहाँ पर पूछा गया। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्यूटर की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले कि आप सभी पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।